भाइयों, अंत में ये आप प्रभु में प्रसन्न रहें। आप लोगों को दोबारा वे ही बातें लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं, और इसमें आपका कल्याण है। आप कुत्तों से सावधान रहें, दुष्ट कार्यकर्ताओं से सावधान रहें, अंगद छेद करने वालों से सावधान रहें। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं बल्कि ईसा मसीह पर गौरव करते हैं। हालांकि मैं भी शरीर पर गौरव कर सकता हूँ। यदि कोई ये समझता है कि वो शरीर पर गौरव कर सकता है, तो मैं और भी ऐसा कर सकता हूँ। आठवें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इजरायली, बेन्यामीन वंशी और इब्रानियों की इब्रानी संतान हूँ। संहिता पालन की दृष्टि में मैं फरीसी था। मेरा धर्मोत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि में मैं निर्दोष था। किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था, उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं ये चाहता हूँ कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं, और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक ये सब कर चुका हूं या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वो लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। भाइयों, मैं ये नहीं समझता कि वो लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वो पुरस्कार प्राप्त कर सकूँ जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। हम में जितने लोग परिपक्व हैं, उनका यही मनोभाव होना चाहिए। और यदि किसी विषय पर आपका दृष्टिकोण भिन्न होगा, तो ईश्वर आपको इसके संबंध में ज्योति प्रदान करेगा। जो भी हो, हम जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं, उसी के अनुरूप आचरण करें। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहें, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वो जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वो हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपनी महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे।